अरे वाह वाह क्या बात है अनिरुद्ध, अरे वाह रे छोटे लाल। अच्छा बाबूजी, जवाहर फिल्म स्टूडियो रसड़ा बलिया के प्रोपाइटर महोदय हमारे बड़े भाई हैं, जिनके विषय में जितना भी कहा जाए शायद कम ही है। कलाकारों के लिए आपने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया और मुझे जनपद जौनपुर से बुला करके आप गवाने का काम कर रहे आप भाई कमलेश यादव जी को प्रणाम करता हूँ। हारमोनियम पर हमारे छोटे भाई हैं आप अनिरुद्ध जी, ढोलक पर अमर भैया और कोरस पे हमारे छोटेलाल भैया और बड़े सम्मानित साथी हैं धनंजय जी। अब बाबू काला होता अहंकार काला इनाम संतुलन डोलता मद भरे जाम से, पोल खुलती सदा धूर्त पाखंड की, शक्ति का नाश होता बुरे काम से, जो मिला है भला है वो तेरा कहां, बल विपुल रूप सोहरत में खोया या नारी, हो गए दस दशा नन के आनन कहां, फसी जब भवर बीच जीवन की गाड़ी। आज हम राम मंदिर बना चुके हैं और 22 जनवरी को हम पूजा अर्चना अयोध्या में करने जा रहे हैं। भगवान के नाम की चर्चा ना हो तो शायद पूजा पाठ किसी काम का नहीं। इस संसार में जो भी आया कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए आया है, लेकिन इंसान जब घमंड में इतराए लगेला विनाश निश्चित हुआ करता है। वह कव्वाली का टुकड़ा बारूद बाबू। अरे वाह वाह वाह, अए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, दोनों आलम इतनी बड़ी बात कभी नहीं लिखा। घमंड कोई के करे के ना चाहिए मर भाई, और जे घमंड केले सोकर विनाश 100% हो गए। कैसे अरे मद भरा जाम, मद माने घमंड, जाम माने जाम जनते हो, तब मद भरा जाम यारो है पीना बुरा, देख लो एक नजर आखिर जो है पिया मद भरा जाम, मद भरा जाम यारो है पीना बुरा, देख लो एक नजर आखिर जो है पिया, ये भी घमंड के प्याला पियलस
कहीं ना कहीं पतन की तरफ गयल। यही से हमारे कहानी के शुरुआत बा। केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा, एकदम शीशा जैसा झलकत बा। कैसे लंकापति बाबा, अरे लंकापति लंकापति दशानन समय के रंग में देवता धनुज को जीता है जाके जंग में। त्रैलोक के विजयी रावण को अभिमान छा गया, ब्रह्मांड विजेता कहे खिताब पा गया। तीनों लोगों को जीत लिया है रावण, अहंकार हो गया मुझसे बलि कोई नहीं, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, सानी कोई नहीं। चर्चा सुनता है किसकी, राजा रघु की ख्याति का प्रकाश मनोहर, राजा रघु की ख्याति का प्रकाश मनोहर, चर्चा में सुन रहा था लंकेश बरोबर। लंका से चला, अरे लंका से चला, लंका से चला एक दिन रावण वो शिकारी, कैलाशपति शंभु का प्रकांड पुजारी। ए भैया, लंका के राजा रावण, तीनों लोकों में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको जीता न हो। इंद्र हो, पवन हो, कुबेर खजाने पे बैठे हैं, सारे के सारे देवता गुलाम हैं। एक दिन की बात, रावण अशोक वाटिका में टहल रहा है, सुबह की बेला है, आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी जा रहे हैं। रावण घमंड में चलता हुआ टहल रहा है, महर्षि का नजर रावण पे पड़ल। जनते हुआ लोग बतावल है कि जे दिन नारद कुछ ना पावे, हाड़ फेंक दू कुल लड़ा में। ए भैया, उतरना है नारायण नारायण करत की, कले का हो का हाल चाल बा, कले महर्षि बड़ा अच्छा तबा, कले बरदवा सब कुछ तू जीत लेला, लेकिन अयोध्या के ना जीत पौला। रावण मने मने संकोचे लगल, आखिर अयोध्या के कहे ना जीत पौली। ए महर्षि, अयोध्या को क्यों नहीं जीत पाया, अगर जीतने का कोई विकल्प हो बता दीजिए। महर्षि नारद कहना, रावण अयोध्या के जीते के कई तरीका बाय, अगर राजा रघु कर रानी के सत्य भंग कर देबा तो अयोध्या के जीत जेबा। कलन ही तो हमरे तो दहिने बाएं के खेल बा, जैसे चाहे वैसे जीत ले। छलिया है रावण, आखिर करत का बाबू गीत लग गल। बढ़िया फर्ज लिखल गया, कैसे लाल भेसवा बदल के चला, भेसवा बदल के चला, रावण अभिमानी पानी लूट खातिर ना। पानी लूट पानी लूट खातिर ना, हो पानी लूट खातिर ना, आया रघु के राजधानी पानी लूट खातिर ना।
रावण अपने भेष को बदल लिया है, मजा भी है। कवन भेष बनौले बा छोटे लाल, साधु भेष वही में रावण आयल जौने छनावा। खबर जनहला जाके अंदर दर पानी पानी लूट खातिर ना, पानी लूट खातिर ना, हो पानी लूट खातिर ना, तराजा रघु के राजधानी पानी लूट खातिर ना। ए भैया, महर्षि नारद की बात को मान करके रावण साधु का भेष बनाया है, रानी के शक को भंग करने के लिए चल पड़ा है। संजोग की बात, राजा रघु आज महल में नहीं है, आखेट पर निकले हैं। दरबारी जो है जाता है रानी को बताता है, रानी साहिबा कोई जोगी आया है, कोई संत आया है। रानी साहिबा कही बोल दो कि राजा भी दरबार में नहीं है। आया है कहता है प्रभु राजा साहब दरबार में नहीं है, दरबार में नहीं है। अरे तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ? दरबारी कलश नहीं साहब, हम ना जानते हैं। के हुआ कलन की जाके रानी से कह दो मैं तेरे गुरु का गुरु हूँ। दरबारी फिर गया, अंदर गया है, रानी साहिबा से कहा रानी साहिबा वो बाबा बता रहे हैं मैं आपके गुरु का गुरु हूँ। रानी अचानक खड़ी होती है, जाओ अंदर ले आओ। दरबारी आयल है, रावण महाराज के पैर पे अपन कपार के पटक दिलस, कलर की हमसे गलती हो गल, चला हमार रानी तो के महल में बलोली। तक कवन की तकल मास्टर, किसे जे चढ़त डरू अरे लागे मोरी गुइया, सहज चढ़त डर अब लागे मोरी गोइया, सैया घुघट पट खोले रे दुल्हा घुघट पट खोले, से बढ़िया फर्ज लिखल गया। साधु भेष में आया है, उस समय का भाव कैसन बा? साधु भेष वही में, अरे साधु भेष वही में, साधु भेष में रावण आयल जौन छनवा, कोई के खबरिया ना बाते हो, कोई के खबरिया ना बाते। सिंहासन बिठवाली
रुद्र सिंहासन अरे छुवते सिंहासन छुवते सिंहासन के बदल शरीरिया कोई के खबरिया ना पाते हो कोई के खबरियो ना बाते दरबारी रावण महाराज को अंदर लाता है। रावण जब अंदर आया है बड़ा खुश हुआ, चला एक झटका में हमार सब काम हो गल, राजा राज महल में नहीं है, आखेट पे निकले हैं, रानी साहिबा घर पे हैं। रानी तो सोच रही है मेरे गुरु का गुरु है बताया है, पहले का जमाना ऐसा था मित्रों, कोई संत आ जाता था, महात्मा आ जाता था, गुरु आ जाता था, उपरहित आ जाया करता था। उस समय व्यवस्था थी, राजा अपने सिंहासन को छोड़ दिया करता था और वह गुरु उस गद्दी पे आसीन हुआ करता था। रानी अपने फर्ज का निर्वाह करती हैं और कहती है सरकार गद्दी पे आसीन होइए। विशेषता थी उस सिंहासन की, अगर कोई धोखे से छल से सिंहासन पे बैठेगा उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। जैसे ही रावण हाथ रख के सिंहासन पे बैठल चाहा था छोटे लाल, 10 सिर 20 भुजा वाला रूप रानी के सामने। रानी आश्चर्य में पड़ गई। कभी बात हुआ करती थी, मेरे पतिदेव बताया करते थे, संसार में एक ऐसा भी प्राणी है जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं हैं, कहीं वह यही तो नहीं छली है। रानी समझ गई यही राजा रावण है, गुस्से में लाल हो गई है। तब तेरी लग गल लाल, शर्मिंदा पाजी रावण हो गया, भागा जान बचा के कपटी कुटिल दरिंदा, अरे दरिंदा। रानी जब जान गई मारे शर्म के रावण महाराज पानी पानी हो गई, लगलन भागे रानी कहनी कि सुना नहीं सुनूंगा, मुझे जाने दो, नहीं सुनो। रानी कहली नका बाह बाह ये नीच कमीना खेल किया, अय नीच कमीना खेल किया, तू मर्यादा के आचल से गर सूर्य वंश का तेज गिरा, तो गिरेगी बिजली बादल से, रानी कहती है बहुत खेल कर लिया तू, सूर्य वंश के तेज को नहीं जानता, सुन मेरे स्वामी के हाथों तू निश्चित ही मारा जाएगा, जरा सोचल पापी है रावण, जरा सोचल पापी है रावण, फिर तुझको कौन बचाएगा। रानी कहती है सुन ले कान खोल के, अगर मेरे राजा को इस बात की पता चलेगी तू छल करने आया था मेरे साथ, इस धरातल ही नहीं 14 भुवन में 3 लोकों में तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। रावण पीछे मुके के भागल बाबू,
अब भागल तो सीधा लंका में पहुंचल। एहर आखेड़ से राजा रघु जब वापस आते हैं, रानी कोप भवन में चली जाती हैं। राजा आए हैं राजमहल में, देखते हैं मेरी रानी नहीं है। दासी से सवाल करते हैं, ए दासी। हाँ सरकार, रानी साहिबा कहाँ है? सरकार, एक जोगी आया था, साधु के भेष में कोई आया था, जब से गया है तब से रानी साहिबा को भवन में चली गई। साधु आया था, जोगी आया था, को भवन में मेरी रानी है, क्यों है? आए हैं को भवन का दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं रानी की आंख में आंसू है। प्रिय प्रिय, क्यों को भवन में आई हो? मुझसे क्या गलती हो गई? रानी कनी, सरकार तो से गलती ना भल, गलती तो से ना भल, तू ना रहला है जब आखेट पे गल रहला, साधु के भेष में रावण आयल रहल, हमारे साथ छल कहके हमारे सत्य के भंग करल चाहत रहल। इतनी बात जब राजा रघु सुनते हैं, क्रोध में आंखें लाल हो गई, तम तम आ गए हैं क्रोध में, इतनी मजाल तेरी दासी। क्या है सरकार? जरा सा चावल ला दे और कमंडल में पानी ला दे। दासी दौड़ी दौड़ी जाती है, चावल लाती है, चावल को हाथ में लिए हैं, कुछ मंत्र बोले हैं राजा रघु, जमीन पर पटक दिए, जमीन पर पटक दिए हैं। दासी से कहते हैं पानी ला, पानी दिए है, कुछ मंत्र बोले चावल पे, पानी को फेंके हैं, वो चौरा से पनिया से तीन ठे बाढ़ बन गया। तब कौन गीत लाल? कमर लचकनिया, अरे बहरी उमर कमर लचकनिया, गोरी आखी का निहुर के पनिया, गोरी का झूला झूला निया, आखेर से राजा वापस आते हैं, रानी के मुख से सारी बात को सुना है, क्रोध में लाल हैं। तब कैलन है का अइला जब रघु राज महलिया, सुनल राजा सारी हवलिया, छलिया लाई नगरिया ना, लंका सुना, पनवती न निकाले बंका, रावण मौत नहीं है शंका, धरती पर मचली खलबलिया, देही धारिया हो कि देखबा, छलिया लाई नगरिया ना, जो चावल का बाढ़ बनाए थे अपने मंत्रोच्चार द्वारा, बाढ़ को लिए है प्रत्यंचा पर चढ़ा लिए, चढ़ा के केलन का पहपट लगल। अरे बात ये है रघु राजा जी बनावा लंका नगरी में, जान बचा के भागला रवनवा लंका नगरी में, we'll be right back.
को प्रत्यंचा पर चढ़ा करके राजा रघु मार दिए। बाढ़ को आदेशित किए, आए बाढ़ जाओ राजा रावण के प्राण को हरने के पश्चात तुम वापस आना। बाढ़ चला है और अशोक वाटिका में आनंदमय तरीके से रावण टहल रहा है। अब तो आ गया है अपने राजमहल में। बाढ़ हन 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 जब जा रहा है, ज्ञानी था अपने ज्ञान चक्षु से देख लिया किसी सती के पति का बाढ़ है जो मेरा वध करने आ रहा है। भागने लगा इधर से उधर, कई जगह नहीं मिल रही है तो करता क्या है। अरे पहुंच गया कैलाश के ऊपर, शिव को दिया दोहाई हो, मंदोदर ही जान बचाई है, कहे समूहर साई हो। अरे लगा के युक्ति बचाई ले बू जनवा लंका नगरी में, और नहीं दस नूरा हो जय है सपनवा लंका नगरी में। लंका से भागते हुए रावण कैलाश पर्वत पर आया है। भगवान शिव का आह्वान किया है, आंख खुलते हैं, देखते हैं मेरा सबसे प्रिय शिष्य रावण। क्या हुआ? अरे पूछ रहे हैं क्या हुआ, पिछवा देखा, समझ गए भगवान शिव किसी सती के पति का बाढ़ है। अरे रावण मैं तुझे नहीं बचा सकता। अरे आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? मैंने 10 बार आपके लिए अपने सिर को चढ़ा दिया, आज आप करो, मैं नहीं बचा पाऊंगा, फिर कौन बचाएगा? कोई उपाय है महादेव बताइए, भगवान कलंक बचावे के कै तरीका बा? के बा तो तुहार पत्नी मंदोदरी चाहिए तो बच जी बा। रावण सोच गल की झूठे यहाँ भगली है, अगर पहले ही जानत रही कि मंदोदरी हम के बचाई, मंदोदरी के ही पास गल हुई। भागता हुआ आया है मंदोदरी के पास, कहता है प्रिय, आए प्रिय। मंदोदरी सोच गई मेरे पतिदेव कहीं से आ रहे हैं, दौड़ी दौड़ी गई है, लोटे में पानी ली है, ला पतिदेव पानी पिला। अरे तुम पानी पिला रहे है, देख मेरे पीछे किसी सती के पति का बाढ़ है और भगवान भोलेनाथ ने कहा है मुझे बचाने की क्षमता अगर किसी में है तुझ में है। अच्छा मैं बचा सकती हूँ, कैसे? अगर तू सती है तो मुझे बचा ले। ए भैया बाढ़ हन 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 आवत बाय, और सती रानी मंदोदरी करती क्या है आल्हा लगल। अरे दुनिया में महाशक्ति नारी हो कहाली भैया,
हवा के जोड़ी मांगे भीख में सनुरवा बाबू, सोच बान सहतिया के होई अपमान, अपने पति की बात सती मंदोदरी सुनती है, देखती है बाण मेरे पति के पीछे पड़ा है, आंचल को पसार करके खड़ी हो जाती है। एक ही बात बाण से कहती है छोटेलाल भैया, कहती है अगर मैंने अपने जीवन काल में किसी पराये पुरुष की परछाई तक नहीं देखा है तो ऐ बाण मेरे पति के प्राण को बख्श दे, बख्श दे। चूंकि सत का बाण था समझ गया अगर अब भी सती के पति की हत्या करता हूँ, वध करता हूँ, इसके सत का अपमान होगा। और बाण वापस लौट आया राजा रघु के राजमहल की तरफ। राजा रघु पूछते हैं क्या तूने रावण का वध किया? बणवा कलश किन्ना, क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया प्रभु, रावण की रानी सती मंदोदरी आंचल पसार करके अपने सत के प्रभाव को दिखाने लगी और मैं मजबूरी में वापस आ गया। राजा रघु ने कहा तिष्ठत तिष्ठत तिष्ठत, अर्थात बैठ जाओ। एक तरफ बाण बैठ गया, दूसरा बाण उठाए हैं, मार दिए हैं, फरमान किए हैं जाओ रावण को लेकर के आना। तब सदर लगल्लाल अरे तब वापस आई गई ले तीरा यावा धर नगरिया, कहे रघुराज से हो सगरी बलाना, भेजे है दोबारा राजा बान लंका में, रावण को लिया के आओ किए फरमान, हरे आया है तसानन देखा रघु के समनवा, तो सिरवा झुकाई के खड़ा हो बेईमान, पहला बाण जब वापस हुआ है रावण फिर आनंदमय हो गया, खुश हो गल धनंजय एकदम, जब हमार कोई का करी, एहर दूसरखा बाण जब जात बाय, मस्त एकदम टहल रहा है अशोक वाटिका में, पिछवाई से बाण गयल है, अब घुस के उड़ाए के लिए आए के राजा रघु के महल के बीचों बीच पटक दिलस, क्यों मेरी गैर हाजिरी में तू मेरे राजमहल में छल से आया था? हाथ जोड़ के रावण जैसे भीगी बिल्ली हो खड़ा है, सरकार गलती हो गई, क्षमादान दीजिए, माफ कीजिए, ब्राह्मण की हत्या मत करिए, कराइए। अरे तू ब्राह्मण तो जरूर है लेकिन तू छली ब्राह्मण है, अगर तू इस बात को कहता है क्षमादान दूं तो मैं क्षमादान तुमको देता हूं, लेकिन जाओ मैं तुझे श्रापित करता हूँ, मेरा एक श्राप तुझे लगेगा। कवन श्राप? खड़ी लग गल, अरे कान खोल क्या सुन ले रावण बतिया हमारी, एक दिन होई धोखेबाजी में मऊतिया तोहरी, अगर किसी के साथ धोखा करेगा तो भी धोखे से मारा जाएगा,
तब याद रहे जिंदगी में भेष जो बदलबा और जिंदगी तोहार जाई फिर नहीं बचाबा। अरे झूठी ना पड़ेगी भविष्य मतिया हमारी, एक दिन हो धोखेबाजी में मऊतिया तोहरी। अगर दोबारा किसी के साथ छल करेगा, किसी स्त्री के साथ अन्याय करेगा, तो तुझे बचाने वाला सकल ब्रह्मांड में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ए भैया, चोरे के चोरी छूट सकेला, लेकिन हेरा फेरी ना छूटी ना छूटी, आखिर कैले सका। भेसवा बदल के आखिर सिया को चुराया, राम हाथे देखा बाबा उतिया है पाया। अरे लंका नाश कराया आखिर राजारी, एक दिन होई धोखेबाज में मऊतिया तोहर। भगवान राम वन में हैं, सिया का हरण किया है, छल से किया था, सिया का हरण हुआ, लंका की लड़ाई लगी है, भगवान राम और रावण में युद्ध हो रहा है, बार बार शीश को काट रहे हैं, शीश जुड़ जा रहा है। भाई विभीषण जाके बताता है, एक नभिया में अमृत बा, जब तक आप अमृत को नहीं छुपाएंगे नहीं मरेगा। एक साथ भगवान राम ने 31 बाण छोड़ा, 20 बाण से 200 भुजाएं कटी, 10 बाण से 200 शीश कटे, 31वां बाण है बाण रहल जोने बाण के राजा रघु अपने मंत्र के द्वारा बनोले रहल। वही बाण से मृत नाभि का सूखा है रावण, धराशायी हो गया, राम को बुलाता है, हरे राम ये बताओ आपने मुझे कैसे मारा, मेरे अमृत को सुखाने की क्षमता किसी बाण में थी नहीं, आपने कैसे मारा। भगवान राम ने बताया आपने अन्याय किया था, 31वां बाण जो मेरा था, मेरे परदादा राजा रघु का था, उसी बाण से मैंने आपकी नाभि के अमृत को सुखाया है। रावण अस्तब्ध है, दुखी है कि मैंने गलती किया। भगवान राम कहते हैं कहो तो मैं जिंदा कर दूं, कहा नहीं, मेरी गति हो गई प्रभु, मेरे सकल राक्षस जाति का आपके हाथों उद्धार हो गया, आप बस इतनी कृपा करिएगा दोबारा मुझे जन्म न लेना पड़े। तब खानदान के पर्चे लग गए। गुरु बिहारी गुरु गणेश हरिनंदन जी सहदेव स्वर्ग बसे रामधारी चंद्र का राम देवा। पाजी रावण हो गया अशोक गला कभी की होती गी चुनिंदा, शर्मिंदा पाजी रावण हो गया।